बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर तैयबा फ्रॉम दार अरकम स्कूल DHE एंड स्टेट लेवल ब्रांच। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट टुडे होम टास्क ऑफ क्लास प्रेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश डायरी रीडिंग बुक पेज नंबर 16। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दिस। हम पहले दिस के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस मीन ये, जो चीज़ हमारे करीब होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस। एंड दिस ज़्यादा चीज़ों के बारे में, जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो भी हमारे करीब होंगी। ये वन चीज़ थी, सिंगुलर एंड प्लूरल। दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है, इसका मतलब भी ये, लेकिन ये यूज़ होगा ज़्यादा चीज़ों के लिए, प्लूरल चीज़ों के लिए, और ये सिंगुलर चीज़ों के लिए। वी यूज़ दीज फॉर द ऑब्जेक्ट्स डैट आर मोर देन वन एंड दे आर नियर टू अस। ओके, लिसन, लुक एंड रीड। दिस इज अ रैट, वन रैट है तो हमने क्या यूज़ किया, दिस। नेक्स्ट, ज़्यादा रैट्स हैं यहाँ पे, दीज आर रैट्स। दिस इज अ कप, दीज आर कप्स। दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स। This is a duck. These are ducks. This is a ring. These are rings. अब आपको पता चल गया, these हम use करेंगे singular things के लिए and these use करेंगे more than one things. Okay? आपने full page की reading करनी है। Next workbook page number 38. Use of this and these, जो हमने अभी reading किया हम उसे यहाँ पर write करेंगे। Make sentences using this or this. This is a rat. These are rats. Again, write करेंगे, this is a cup. Full stop. These are cups. Full stop. जब हमारी sentence finish होता है तो last में हम क्या लगाते हैं, full stop. नेक्स्ट, दिस इज अ बुक, या आप खुद राइट करेंगे, दीज आर बुक्स। दिस इज अ डक, दीज आर डक्स। रिवीजन ऑफ डिक्टेशन वर्ड्स लिस्ट नंबर 5। ये रिवीजन हो रही है नीचे डिक्टेशन वर्ड्स की, लिस्ट नंबर 5 आपने यहाँ पे राइट करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। च इन, चिन, लर्न, च लंच, टू टाइम्स यहाँ पे राइट करना है और इसे लर्न करना है।